हैं हरिद्वार, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनाएंगे। परिवेश उपलब्ध कराना कि जहां पर वो अपने सभी प्रकार के जो उनके व्यक्तित्व से लेकर उनकी हर गतिविधि का विकास कर सके। आज हमारी हर नीति, हमारा हर निर्णय उस युवाओं को केंद्र में रखकर लिया जा रहा है। वरना अगर आप याद करेंगे कि एक दौर वह भी था कि युवाओं को अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तब की सरकारें युवाओं की राह सुगम करने की बजाय उनकी हताशा को बढ़ाने का काम करती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में, प्रदेश में हमारी सरकार ने युवाओं की निराशा को खत्म कर नई आशा प्रदान की है। हरिद्वार के लोग भली भांति जानते ही होंगे कि इससे पहले मैदान की हालत क्या थी। यह हमारी सोच का परिणाम है। आप सबकी ये जो आपने सेवा का अवसर प्रदान किया, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। ये क्रिकेट के स्टेडियम की तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इस वक्त कि ये केवल एक शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में हरिद्वार और अधिक चमकने वाला है। माँ गंगा का ये स्थान और भव्य और दिव्य स्वरूप लेने वाला है। आने वाले समय में हम प्रदेश के अंदर युवाओं को हितों को सुरक्षित करने वाली एक समग्र और बहुआयामी युवा नीति जल्दी ही लाने वाले हैं। ये नीति युवाओं को उनके कौशल, उनके रोजगार और उनके व्यक्तित्व पर विकास पर केंद्रित होगी। हमारे युवाओं को अवसरों की कमी न रहे, इसके लिए हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। राष्ट्रीय आयोजन का इस बार मेजबानी का अवसर हमारे प्रदेश को मिला है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है भाइयों बहनों, और आज इसी आयोजन से युवाओं में खेलों के प्रति एक नया विश्वास जागृत होगा। और वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि, वीरभूमि और वीरभूमि के बाद खेल भूमि के रूप में भी हमारे प्रदेश को जाना जाएगा। आज हम खेल के क्षेत्र में अनेक काम आगे कर रहे हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा शंकराचार्य चौक, फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स जोन स्थापित करना हो या फिर स्टेडियम के पास ही बने मल्टी स्टोरी स्पोर्ट जोन का निर्माण हो, हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश के अंदर खेल विश्वविद्यालय का भी निर्माण कर रहे हैं। दो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, 89 मिनी स्टेडियम, 150 से अधिक खेल के मैदान आज हमारे नौजवान युवाओं को अनेक प्रकार से उनकी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आज खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में हम उनको नौकरी देने का काम भी कर रहे हैं। उनका मान सम्मान बढ़ रहा है। महिला और युवक मंगल दलों की आर्थिक सहायता और उनके प्रोत्साहन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। हम मुख्यमंत्री